डाउजर्स हम ऑस्टिओप्रोटिक वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स की वजह से होता है ओस्टिओप्रोसिस एक बीमारी है जिसमें हड्डियां भुर जाती हैं यानी डिजेनेटिव चेंजेस आ जाते हैं ये वीकनेस की वजह से भी हो सकता है ऑस्टिओप्रोटिक वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स जो हैं यानी कि हड्डियों के भुर जाने की वजह से जो कंप्रेशन और दबाव पड़ने से वेज शेप फ्रैक्चर बन जाता है स्पाइन का उसकी वजह से हाइपरकाइफोसिस हो जाता है जिसे हम डाउजर्स हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी के जो तैंतीस मोहरे हैं उनके चार नेचुरल कर्व्स हैं सर्वाइकल कर्व थोरेसिक कर्व लंबर कर्व एंड सैक्रल कर्व सर्वाइकल स्पाइन आर सी स्पाइन सी स्पाइन का पोस्टीरियरली जो सर्वाइकल कर्व है वो लोडोटिक शेप में होता है थोरेसिक जो है वो काइफोटिक शेप में होता है लंबर भी लोडोटिक में होता है सेक्रल काइफोटिक होता है बफलो हम्प और हंड्स बैग ये फॉल्टी पोस्चर की वजह से डिपॉजिट हो जाता है फैटी टिश्यूज का फॉल्टी पोस्चर की वजह से बॉडी की जो नॉर्मल अलाइनमेंट है उसमें चेंज आ जाता है ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से या ज़्यादा कंप्यूटर वर्क करने से जब हम नेक को ज़्यादा देर के लिए झुका के रखते हैं उसकी वजह से हमारा हेड जो होता है वो फॉरवर्ड पोस्चर में आ जाता है शोल्डर्स राउंडेड हो जाते हैं और चिन जो है वो स्टिकिंग फॉरवर्ड हो जाती है इसकी वजह से स्पाइन पर कंप्रेशन पड़ता है डिजेनरेटिव चेंजेज आते हैं हेडिक भी रहती है पेशेंट्स को और इस कंप्रेशन की वजह से मसल्स की शॉर्टनिंग और वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है फॉरवर्ड हेड पोस्चर में क्रोमिन प्रोसेस और लोब सेम अलाइनमेंट में नहीं होते जिसकी वजह से ना सिर्फ हेड नेक बल्कि मिड बैक और लोअर बैक में भी पेन और प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। हर एक इंच फॉरवर्ड हेड पोस्टर होने की वजह से स्पाइन पर टेन पाउंड वजन जो है वो इंक्रीज होता है जिससे स्पाइन यानी मोहरों पर कंप्रेशन आता है और डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं नॉर्मली हेड का वेट टेन टू ट्वेल्व पाउंडस होता है जो कि नेक पे होता है यानी कि नेक उसे स्टेबलाइज कर रही है अगर हम फॉरवर्ड हेड पोस्टर करते हैं यानी आगे झुक के बैठते हैं यानी हमारा एंगल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं उसकी वजह से वेट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है जो कि हमारे सर्वाइकल यानी नेक के स्पाइन पे पड़ता है अगर आप 15 डिग्री का टिट लेते हैं यानी फॉरवर्ड हेड पोस्चर करते हैं तो 27 पाउंड्स वेट इक्रीज़ होता है अगर 30 डिग्री करते हैं तो 40 पाउंड्स अगर 45 डिग्री करते हैं तो 49 पाउंड्स और अगर 60 डिग्री करते हैं तो 60 पाउंड्स हेड को टिल्ट करने से या फॉरवर्ड हेड पोस्चर रखने से जो जितनी भी डिग्रीज इंक्रीज़ होती हैं उतना ही स्पाइन पर वेट इंक्रीज हो जाता है जिससे मसल्स की टाइटनेस और वीकनेस हो जाती है और स्पाइन पर डिजनरेटिव चेंजेज आना स्टार्ट हो जाते हैं हेड रहना स्टार्ट हो जाती है और पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है